ये देख सकते हो लोकल ट्रेन आ भी चुकी है। ये रही लोकल ट्रेन। कैसे हम लोग ट्रांसफर ले जा रहे हैं यहाँ से कोलकाता से, अभी हम लोग जा रहे हैं न्यू दिल्ली। और देख सकते हो कैसे बैठे हुए रुको तो नहीं फिर से उसी पा करके बैठा। हे गाइस नमस्कार, आप सभी को वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। अभी मैं यहाँ सियालदह आ चुका हूँ, देख सकते हो पीछे ये सियालदह रेलवे स्टेशन है। और हम और सानू आया हुआ है साथ में। हाय बोल दीजिए सानू। तो हम और सानू साथ में आए हुए हैं सियालदह, क्योंकि यहाँ पे कुछ काम था तो कल ही आए थे, तो और भी ब्लॉग कल का शूट नहीं कर पाए। एकाएक प्लानिंग बना और हम लोग निकल गए सियालदह, यहाँ पे कुछ काम है इस वजह से। अभी मैं जाने वाला हूँ सियालदह से खोरदा जा रहे हैं। खोरदा में मुझे गुरुजी से मिलना है वहाँ पे, और गुरुजी से मिल करके उसके बाद यहाँ पे जो भी काम है और भी काम करना है। देखिए आगे आगे क्या सा होता है, सारा व्यू आप लोगों को दिखाने का कोशिश करूँगा। तो आइए उससे पहले आप लोगों को यहाँ का कुछ व्यू दिखा देते हैं। देख सकते हो यहाँ पे ये है सियालदह रेलवे स्टेशन का कुछ ये व्यू, और मैं अभी इसी रेलवे स्टेशन पर आया हुआ हूँ। और यहाँ से मुझे अभी चलना है खोरदा, देख सकते हो। तो आगे आइए चलते हैं, खोरदा चल रहे हैं। तो अभी ये फाइनली ये पीछे लगी हुई है लोकल ट्रेन, और इसी लोकल ट्रेन से अभी जाने वाले हैं खोरदा। तो ये ट्रेनें लगी हुई है, शांतिपुर लोकल है, और इसी शांतिपुर लोकल से हम लोग आगे चलने वाले हैं। सानू जो है इसमें अंदर में बैठा हुआ है, कराई बैठा क्या लोकल ट्रेन में तो आप लोग जानते ही हैं, ऐसे ही करा हुआ है। और हम भी जा रहे हैं अंदर, और यहाँ से चलते हैं खोरदा। अभी हम लोग यहाँ पे फाइनली खोरदा पहुँच चुके हैं, और ये रही लोकल ट्रेन जो यहाँ से अब शांतिपुर लोकल है, और यहाँ से आगे खुलेगी। तो हम लोग फाइनली यहाँ से निकल रहे हैं, ट्रेन भी यहाँ से खुल गई है, खुल चुकी है देख सकते हो। तो यहाँ से आगे अभी हम लोग चल रहे हैं, पहले गुरुजी से मिलेंगे। और ये खोरदा जंक्शन और खोरदा रेलवे स्टेशन यही है, और यहाँ का कुछ व्यू अगर आप लोग देख सकते हो, बहुत सारी ट्रेनें और लोकल ट्रेनें वगैरह यहाँ से होकर के सियालदह और उधर से अलग अलग रूट को जाती है। ये खोरदा रेलवे स्टेशन, और इधर से अभी ये देख सकते हो लोकल ट्रेन आ भी चुकी है। ये रही लोकल ट्रेन। और गाइज मैं आप लोगों को बता दूं कि ये खोरदा रेलवे स्टेशन और सियालदह और कोलकाता से कुछ अलग ही यहाँ की यादें जुड़ी हुई हैं यहाँ से, इस खोरदा रेलवे स्टेशन सियालदह एक कोलकाता से। क्योंकि जब मैं फर्स्ट बार कोलकाता आया था म्यूजिक सीखने के लिए 2021 में आया था, तो मैं न्यूटाउन से सियालदह आता था, और सियालदह न्यूटाउन से सियालदह बस से आता था, और सियालदह से फिर लोकल ट्रेन लेकर के यहाँ खोरदा आते थे, और खोरदा से यहाँ से मुझे चल के कुछ दूरी तय करके जाना होता था गुरुजी के पास म्यूज़िक सीखने के लिए। तो वहीं पे आना जाना लगा रहता था, गुरुजी के पास सीखने के लिए आते थे जाते थे, सुबह निकलते थे और फिर यहाँ से रूम पे जाते जाते शाम हो जाता था। तो ऐसे चलते रहता था शेड्यूल उस टाइम का। और अभी 2024 है, तो आज काफ़ी दिनों के बाद गुरुजी से मिलने के लिए दोबारा मैं जा रहा हूँ। अभी एक से दो दिन मैं यहाँ कोलकाता में ही हूँ, क्योंकि यहाँ पे जैसा कि आप लोगों को बताया कि काम है मुझे यहाँ पे, तो अभी मतलब एक दो दिन यहीं पे अभी रुकना है, और उसके बाद फिर यहाँ से निकलेंगे फिर न्यू दिल्ली के लिए। तो न्यू दिल्ली में ही रहते हैं आप लोगों को पता ही है। तो हे गाइस मैं आप लोगों को बता दूँ कि गए थे, गुरुजी थे ही नहीं, गुरुजी थे ओडिशा में। तो गुरुजी ओडिशा गए हुए थे, प्रोग्राम था गुरुजी का, तो गुरुजी अपने प्रोग्राम करने के लिए ओडिशा गए हुए हैं। तो अभी मैं गुरुजी से बात हो नहीं पाई थी मेरी, डायरेक्ट मैं घर पे ही पहुंच गया था, तो गुरुजी थे नहीं। तो अभी हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, और वैसे वहाँ पे गुरुजी पे वहाँ पे घर में हम लोग चाय नाश्ता वगैरह सारा सब कुछ हुआ, कॉफ़ी वगैरह पिए, और वहाँ से फैमिली अभी मैं निकल चुका हूँ, और अभी यहाँ से जा रहे हैं। ये काम है, वहाँ पे काम करते हैं, फिर वहाँ से फिर चलेंगे। अभी मैं
संतरागाछी से आया था और सियालदा आया और उसके बाद फिर यहाँ खोर्दा आया था। संतरागाछी में ही रुके हुए हैं हम लोगों ने यहाँ पे जो काम था काम कर लिया है। यहाँ पे जो है तानपुरा का तार लेना था मुझे और उसके बाद जो है फिर तबला का जो है वो कवर लेना था। तबला का कवर और तानपुरा का तार लिया है और तानपुरा भी हम लोगों ने 3 तानपुरा परचेज किया है। और अभी हम ये देख सकते हो ये है धर्मोतला मार्केट, आप लोगों को दिखाते हैं इसी मार्केट में और लाल बाज़ार में मैंने आकर के यहाँ पे ये सारा सामान लिया था। अभी तानपुरा हम लोगों ने सेकेंड हैंड ही लिया है, देख सकते हो धर्मोतला का मार्केट। ये मार्केट धर्मोतला का कोलकाता में। आगे में बस लेंगे और बस से हम लोग चलेंगे संतरागाछी। यहाँ पे पेड़ पे कितने ज़्यादा संख्या में चिड़ियाँ बैठी हुई है। अभी सुबह हो चुका है और 5:49 हो रहा है और कितना ज़्यादा चिड़ियाँ इस पेड़ पे बैठी हुई है देख सकते हो। पुतने फिर से उसी पा करके बैठ रहा है, फिर से उसी पा करके बैठ रहा है सर। कैसे हम लोग तानपुर ले जा रहे हैं यहाँ से और कोलकाता से अभी हम लोग जा रहे हैं न्यू दिल्ली और देख लीजिए कैसे बैठे हैं। ये रहा तानपुरा।